नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। आज मनाया जा रहा इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे। बिहार में हिंदी में भी कर सकेंगे MBBS की पढ़ाई। स्वास्थ्य विभाग का बड़ा ऐलान। बाढ़ की समस्या के दीर्घकालिक समाधान के लिए होगा उच्च स्तरीय कमेटी गठित। शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए बनेगी नई नीति। विराट को प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड देने पर इस पूर्व भारतीय बल्लेबाज ने उठाए सवाल। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। शिक्षा विभाग में कमेटी गठित। शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए बनेगी नई नीति। बिहार में शिक्षकों के स्थानांतरण और पद स्थापना यानी ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए नई नीति बनाई जाएगी। इसके लिए शिक्षा विभाग द्वारा विभागीय स्तर पर शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी का नीति निर्धारण के लिए गठन किया गया है। 15 दिनों में कमेटी सुझाव देगी। कमेटी का काम बिहार शिक्षा सेवा प्रशासन उपसंवर्ग के कैडर के पुनर्गठन, अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति और अवकाश तालिका के निर्माण हेतु नीति निर्धारण के लिए सुझाव देना है। आज मनाया जा रहा इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे। आज 3 जुलाई को पर्यावरण के प्रति जागरूकता को लेकर इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे मनाया जा रहा है। हालांकि देश में प्लास्टिक पर बैन लगे 2 साल हो गए हैं, उसके पश्चात भी इसका इस्तेमाल बंद नहीं हो पाया है। लोग खुलेआम प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कहना है कि बिहार में पॉलीथीन के इस्तेमाल पर लगाम लगाने की जिम्मेदारी स्थानीय नगर निकायों की है, लेकिन स्थानीय नगर निकाय के अधिकारियों का कहना है कि समय समय पर अभियान चलाकर जुर्माना भी लगाया जाता है, मगर दुकानदार अधिक मुनाफा के लिए पॉलीथीन का उपयोग करते हैं। ऐसे में लोगों का कहना है कि सरकार को उत्पादन पर रोक लगाना चाहिए। जब उत्पादन नहीं होगा तो लोग खरीदना भी बंद कर देंगे। बिहार के इन 4 शहरों में चलेगा मेट्रो। नीतीश सरकार ने रेल कंपनी को सौंपा बड़ा काम। बिहार के 4 शहर भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और गया में भी अब मेट्रो का विस्तार होगा। इसके लिए संभावना की तलाश की जा रही है। 4 शहरों में मेट्रो परिचालन की संभाव्यता का पता लगाने का काम नीतीश सरकार द्वारा गुरुग्राम स्थित राइट्स यानी रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड को सौंपा गया है। यह जिम्मेदारी कंपनी को राज्य के नगर विकास विभाग की ओर से दी गई है। बता दें कि केंद्र सरकार की यह नवरत्न कंपनी रेलवे के अंदर आती है, जो रेल परिवहन संबंधित इंजीनियरिंग सलाह देती है। विभाग की ओर से पत्र लिखकर 4 शहरों में काम शुरू कर संभाव्यता यानी फिजिबिलिटी तलाश करने के लिए राइट्स को खर्च और तकनीकी विवरण के लिए प्रस्ताव देने को कहा गया है। वज्रपात से हुए मृतकों के आश्रितों को दी जाएगी 4 लाख की अनुग्रह अनुदान राशि। आज बुधवार को राज्य के 4 जिलों में वज्रपात से हुए 4 लोगों की मौत पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गहरी संवेदना व्यक्त की है और मृतकों के आश्रितों को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान राशि देने का ऐलान किया है। यह जानकारी IPRD बिहार द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट के जरिए दी गई। बता दें कि वज्रपात की वजह से भागलपुर, दरभंगा, पूर्वी चंपारण और नवादा से एक एक व्यक्ति की जान जाने की खबर सामने आई है। वहीं मुख्यमंत्री द्वारा लोगों से सतर्कता बरतने और आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा समय समय पर जारी किए गए सुझावों का अनुपालन करने का अपील भी किया गया है। खतरे के निशान से ऊपर बह रही बिहार की कई नदियां, कई इलाकों में घुसा पानी। बारिश की वजह से बिहार की कई नदियों के जलस्तर में वृद्धि देखने को मिल रही है। कई नदियों का जल स्तर अब तक खतरे के निशान को पार कर चुका है। इस वजह से कई जिलों में बाढ़ की स्थिति भी उत्पन्न हो रही है। मैनर, कोसिल, भपसा, झिकड़ी व हरहा पहाड़ी नदी के साथ विभिन्न बरसाती नदियां उफान पर है और इस कारण से एक गांव से दूसरे गांव में आवागमन ठप होने लगा है। वाल्मीकि नगर में गंडक नदी का जलस्तर 50,000 क्यूसेक पार कर गया है और गंडक बराज को हाई अलर्ट पर रखा गया है। वहीं मधवापुर में अवधारा समूह की नदियां भी उफान पर है, जबकि झंझारपुर में कमला बलान नदी खतरे के निशान से 50 मीटर से 1.22 मीटर ऊपर बह रही है। बाढ़ की समस्या के दीर्घकालिक समाधान के लिए होगा उच्च स्तरीय कमेटी गठित। बिहार में हर साल लोग बाढ़ के आतंक से परेशान होते हैं। बाढ़ में कई लोगों के घर डूब जाते हैं तो हर साल हजारों जाने जाती हैं। अब केंद्र में नरेंद्र मोदी की तीसरी बार सरकार बनने के बाद राज्य सरकार की ओर से इस दिशा में कदम उठाने का पहल शुरू किया गया है,
जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और बिहार से राज्यसभा सांसद संजय झा ने बिहार में बाढ़ के समाधान को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से दिल्ली में मुलाकात कर चर्चा की है, जिसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए दी। संजय झा के अनुसार उत्तर बिहार में बाढ़ के दीर्घकालिक समाधान को लेकर उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया जाएगा। बिहार में हिंदी में भी कर सकेंगे MBBS की पढ़ाई, स्वास्थ्य विभाग का बड़ा ऐलान। अब बिहार के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में नए सत्र से MBBS की पढ़ाई हिंदी में भी होगी। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग द्वारा आदेश जारी किया गया है। विद्यार्थियों के पास अब यह विकल्प होगा कि वे हिंदी में पढ़ाई करना चाहते हैं या अंग्रेजी में। मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया है कि मुख्यमंत्री नीतीश के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग द्वारा मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में हिंदी माध्यम में मेडिकल पाठ्यक्रम की पढ़ाई करने की व्यवस्था प्रभावी कर दी गई है। बिहार में पुल गिरने का सिलसिला जारी, एक और जिले में धंसा पुल। बिहार में पुलों के गिरने का सिलसिला लगातार जारी है। बिहार में मॉनसून के प्रवेश के साथ ही एक के बाद एक राज्य के अलग अलग जिलों से लगातार पुलों के ध्वस्त होने या क्षतिग्रस्त होने की खबर सामने आ रही है। अब इसी कड़ी में सिवान से पुल गिरने की खबर सामने आई है। मंगलवार देर रात को सिवान के महाराजगंज अनुमंडल के देवरिया पंचायत के पराइन टोलों के पास गंडकी नदी पर बनी पुलिया बारिश के कारण अचानक धंस गया, जिसके वजह से करीब एक दर्जन गांवों में आवागमन बाधित हो गया है। सीएम व्यावसायिक पाठ्यक्रम मार्गदर्शन उत्प्रेरक योजना के आवेदन की तिथि हुई विस्तारित। IPRD बिहार ने मुख्यमंत्री व्यावसायिक पाठ्यक्रम मार्गदर्शन और उत्प्रेरण योजना से संबंधित जानकारी साझा की गई है, जहां बताया गया है कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 17 जुलाई कर दिया गया है। आपको बता दें कि पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के बच्चों के लिए राज्य के 10 संचालित केंद्रों में निःशुल्क प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। इसमें बच्चे कैट मैट और प्रबंधन से संबंधित रोजगार परक प्रतियोगिता परीक्षा, विधि पाठ्यक्रम प्रवेश परीक्षा यानी क्लैट और न्यायिक सेवाएं, नेट गेट, JRF, PhD, MPhil आदि प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाती है। हाथरस हादसे पर सीएम नीतीश और तेजस्वी यादव ने जताया। मंगलवार को उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक सत्संग के दौरान मची भगदड़ से हुई सैकड़ों लोगों की मौत को लेकर बिहार में भी शोक की लहर है। इस हादसे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी शोक प्रकट किया है और मृतकों के परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। सोशल मीडिया के जरिए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह घटना अत्यंत दुखद और पीड़ादायक है। मुख्यमंत्री ने ईश्वर से इस दुख की घड़ी में परिजनों को धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। वहीं इसके साथ ही उन्होंने हादसे में घायल हुए लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। वहीं मुख्यमंत्री के अलावा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी दुख व्यक्त करते हुए कहा है कि सत्संग के दौरान हाथरस में हुई भगदड़ की दुर्भाग्यपूर्ण घटना में सैकड़ों श्रद्धालुओं की मृत्यु की खबर सुनकर व्यथित हूं। बिहार में एक्सप्रेस ट्रेन के लोको पायलट पर पथराव। बिहार से ट्रेनों पर पथराव करने की एक और घटना सामने आई है। पटना गया रेलखंड पर पटना सिंगरौली एक्सप्रेस ट्रेन के लोको पायलट को निशाना बनाते हुए पथराव किया गया। बताया जा रहा है कि पटना से गया जाने वाली मेमू पैसेंजर अपने समय से एक घंटे बाद भी नहीं खुली थी, जिसकी वजह से पैसेंजर ट्रेन के अधिकांश यात्री सिंगरौली ट्रेन पर सवार हो गए और जैसे ही ट्रेन तैनरी और नाडोल हॉल्ट के बीच पहुंची उसे वैक्यूम कर रोक दिया गया। लोको पायलट जब वैक्यूम को ठीक करने पहुंचा तो इसी दौरान कुछ कहने पर ट्रेन से उतरे लोगों ने लोको पायलट पर पथराव कर दिया, जिससे लोको पायलट घायल हो गए। घटना के बाद लोको पायलट ने ट्रेन को नादेल स्टेशन पर खड़ा कर दिया और आगे जाने से इनकार कर दिया। वहीं जानकारी मिलने के बाद रेलवे अधिकारी और रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची और पायलट को समझा बुझा कर ट्रेन को आगे के लिए रवाना किया। 15 जुलाई तक इग्नू में छात्र ले सकते हैं एडमिशन। इग्नू द्वारा ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग प्रवेश के लिए आवेदन की तिथि बढ़ा दिया गया है। अब आवेदन की अंतिम तिथि 30 जून से बढ़ाकर 15 जुलाई कर दी गई है। ODL यानी ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ignu.admission.samarth.edu.in या ignu.iop.samarth.edu.in पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बता दें कि प्रवेश की पुष्टि के बाद योग्य छात्र राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर भारत सरकार की छात्रवृत्ति के लिए आवेदन भी कर सकते हैं। 22 महीने बाद सम्राट चौधरी ने अयोध्या में रामलला के सामने उतारा मुरेठा। बिहार के डिप्टी सीएम और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने करीब 22 महीने बाद बुधवार की सुबह अयोध्या में सरयू नदी के अंदर डुबकी लगाकर अपनी पगड़ी को रामलला के आगे समर्पित किया है।
उन्होंने यहां अपना मुंडन भी कराया। वहीं मीडिया से बातचीत में सम्राट चौधरी ने बताया कि उन्होंने भगवान राम के चरणों में अपना पगड़ी समर्पित कर दिया है और इस दौरान उन्होंने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को 200 से अधिक सीटें जितवाने का नया संकल्प भी लिया। 5 जुलाई को 28वां स्थापना दिवस मनाएगा राजद। 5 जुलाई को राजद अपना 28वां स्थापना दिवस पटना स्थित प्रदेश कार्यालय के कर्पूरी सभागार में मनाएगा। पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव समेत पार्टी के सभी अन्य प्रमुख नेता भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। यह कार्यक्रम प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी। स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित इस समारोह में राज्य के 5 जिलों पटना, वैशाली, भोजपुर, जहानाबाद एवं अरवल के कार्यकर्ता और नेता भी भाग लेंगे, तो वहीं शेष जिलों में मौजूद पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा जिलों में मौजूद कार्यालयों में स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। विराट को प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड देने पर इस पूर्व भारतीय बल्लेबाज ने उठाए सवाल। T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब भारत ने अपने नाम कर लिया है। वहीं वर्ल्ड कप के फाइनल में भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली का शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिला, जिसके दम पर टीम इंडिया साउथ अफ्रीका के सामने मजबूत स्कोर खड़ा करने में कामयाब रही। विराट के इसी पारी की वजह से उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया था। वहीं अब भारत के पूर्व बल्लेबाज संजय मांजरेकर ने कोहली के प्लेयर ऑफ द मैच चुने जाने पर सवाल खड़ा कर दिया है। संजय मांजरेकर का कहना है कि विराट कोहली की पारी की वजह से हार्दिक जैसे खतरनाक बल्लेबाज को सिर्फ 2 गेंद खेलने का मौका मिला और जिसने भारत को कॉर्नर में कर दिया। उन्होंने आगे कहा कि डेथ ओवर में अगर भारत की गेंदबाजी अच्छी नहीं होती तो भारत हार जाता, इसलिए किसी गेंदबाज को प्लेयर ऑफ द मैच चुना जाना चाहिए था। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत से लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है उमेश ऋषिदेव, सुशील कुमार, मोदी, नंद कुमार सिंह, नुनू गोपाल कुमार, रवि कुमार राम, गोनर शर्मा, रंजीत मिश्रा, विकास कुमार, रकीब रजा, वरुण कुमार, राजेंद्र ऋषिदेव, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, बाबुल मरांडी, मोहम्मद साकिर हुसैन, राम बाबू दास, नौसाद रजा, अनवर करीम खान, चंद्रशेखर यादव, प्रमिला कुमारी। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, बारिश के दिनों में बिहार में बाढ़ से प्रभावित इलाकों में बाढ़ से बचाने के लिए सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।